कह रहा हूँ तो पक गया, बोर हो गया एकदम। जनवरी का महीना चल रहा है और बर्फ का नामो निशान नहीं है। हिमाचल का सबसे भूतिया जगह, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल बूमिंग सफर पे। तो दोस्तों 2024 की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं करने वाला हूँ 2024 का पहला सफ़र, जो कि होगा कलका से शिमला टॉय ट्रेन जर्नी। उससे पहले दोस्तों आप सबको और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ और हैप्पी 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 वाला न्यू ईयर। मैं अभी स्टेशन पर पहुँच गया हूँ और ये रहा मेरे सामने ट्रेन खड़ा है अपना, इसका नाम है शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस और ये वाला मेरा बॉगी है। दोस्तों ये जो कलका से शिमला का जो टॉय ट्रेन जर्नी है, ये एक हेरिटेज ट्रेन जर्नी है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसका नाम आता है और 120 साल पुराना है ये रेलवे लाइन। अंग्रेज़ों ने बनाया था शिमला जाने के लिए और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यार। जब आप कलका से जब शिमला जाओगे ना तो बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है आपको। और इसका जो ट्रेन है, काफ़ी सारे ट्रेन है आपको यहाँ पे, देखो ये शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस है, बाकी जितने भी टॉय ट्रेन्स है ना सब टॉय ट्रेन ही है। इसके पीछे भी और कई सारे ट्रेन खड़ा है। हमारा ट्रेन जो है वो 5 चिड़ियों की बड़ी आवाज़ आ रही है यार। हमारा जो ट्रेन है वो 5:45 में है, लेकिन आज ट्रेन 2 घंटा लेट है, तो अभी 5:45 में छूटना चाहिए था, लेकिन अभी ये 8 बजे छूटेगा डायरेक्ट। और दोस्तों ये जो हमारा ट्रेन है टॉय ट्रेन, ये 103 छोटे बड़े टनल होके गुजरेगा और इस सफ़र के दौरान 900 छोटे बड़े ब्रिज क्रॉस करेगा ये। एक और बात ये है कि ये जो 103 टनल है, 103 टनल में से टनल नंबर 33, जिसको पता है उसको पता होगा टनल नंबर 33 के बारे में। जो टनल नंबर 33 है वो हिमाचल का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, मतलब भूतिया टनल कहा जाता है उसको। अब उसको भूतिया टनल क्यों कहा जाता है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, जब वो टनल क्रॉस करेंगे ना तब आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वन ऑफ द मोस्ट हेरिटेज ट्रेन जर्नी, कलका शिमला टॉय ट्रेन जर्नी। हमारा जो ट्रेन है ना वो ऐसे वादियों से होके गुजरेगा यार, कितना खूबसूरत लगेगा ना दिखने में। देखो एक तो पहले से ही ट्रेन हमारा लेट है, मतलब 8 बजे खुलने की बात थी, लेकिन अभी मैसेज आया फिर से कि अब ये 9:20 में खुलेगा, मतलब अब 1.5 घंटा और लेट है ये यार। ट्रेन 9:30 बजे यहीं से खुलेगा, मतलब शिमला पहुंचाते तो शाम कर देगा, 3 बज जाएगा, मतलब आज शिमला का जो प्लान है ना मेरा वो पूरा वाट लग गया शिमला का प्लान का। ये गाड़ी 9:20 मिनट पर चलने की सूचना है, यात्रियों को भी असुविधा के लिए हमें खेद है। ये लोग खेद है बोल के तो निकल जाते हैं, बाकी नुकसान तो हमारा होता है, भरपाई थोड़ी ना करने वाला है। बिरयानी खिलाता तो मजा आ जाता है। तो दोस्तों फाइनली हमारा ट्रेन जो है चल पड़ा है शिमला के लिए। अगर आप कलका से बाय रोड से ये
ट्रेन से शिमला जा रहे हो ना टॉय ट्रेन से, तो हमेशा राइट साइड में बैठना यार, क्योंकि जो व्यू है ना वो राइट साइड में दिखता है। कलका से शिमला जाओगे तो राइट साइड में, और जब शिमला से कलका आओगे तो लेफ्ट साइड में बैठना। और ऑनलाइन में अगर आप टिकट बुक कर रहे हो ना तो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नसीब के ऊपर है कि कौन सा सीट आपको मिलेगा। मुझे तो लेफ्ट साइड वाला मिला। वेज नॉन वेज दोनों मिलेगा, और ये नाश्ता बोल सकते हो ब्रेकफास्ट। एक और बात दोस्तों, खाना जो है ना खाना ठंडा रहेगा, क्योंकि ये गाड़ी में पैंट्री वेंट्री है नहीं, तो खाना जो है ना बाहर से लाते हैं लोग, तो खाना जो है ठंडा मिलेगा आपको, लेकिन चाय जो है चाय गर्म मिलेगा। ये ट्रेन जो है एक और स्टेशन पे रुका है, इसका नाम है धर्मपुर हिमाचल। अभी हमें समुद्र स्थल से 4822 फीट ऊपर, यहाँ का स्टेशन जो है ना यार बड़ा ही खूबसूरत खूबसूरत है स्टेशन, बरोग रेलवे स्टेशन तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। हर स्टेशन पे आपको नाश्ता वगैरह मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट खाना वगैरह। जनवरी का महीना चल रहा है और बर्फ का नामो निशान नहीं है, एकदम मजा नहीं आ रहा है। अगर बर्फ होता ना तो ये सफर में 4 चांद लग जाते यार। टनल नंबर 33। टनल नंबर 33 इस रूट का सबसे लंबा टनल है। दोस्तों ये है टनल नंबर 33, हिमाचल का सबसे भूतिया जगह। तो हम अभी पहुंच गए बरोग रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे ट्रेन रुकने वाला है। टनल नंबर 33 की कहानी जुड़ा है बरोग रेलवे स्टेशन से। अंग्रेजों के जमाने में बरोग नाम का एक इंजीनियर रहा करता था इस रेलवे स्टेशन पे, और उसी के नाम के ऊपर इस रेलवे स्टेशन का नाम बरोग रेलवे स्टेशन हुआ है। अंग्रेजों ने बरोग को टनल नंबर 33 बनाने का काम दिया था,
और उसको कहा था इस टनल को एक समय सीमा के अंदर ही बनाना है, मतलब 2 से 3 महीना हो गया या 1 साल हो गया, तो इस समय सीमा के अंदर इस टनल को बनाना है। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी बरोग इस टनल को समय सीमा के अंदर बना नहीं पाया और उसको अंग्रेजों ने काम से निकाल दिया। और कहा जाता है बरोग के ऊपर 1 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद बरोग दुखी होकर आत्महत्या कर लेता है और उसकी बॉडी को इसी टनल नंबर 33 के बाहर दफनाया गया था। तब से कहा जाता है इस टनल नंबर 33 के अंदर बरोग की आत्मा अभी भी रहता है। सरकार ने कई बार इस टनल को बंद करने की कोशिश भी किया था, लेकिन जितनी बार भी ताला लगाया गया था हमेशा वो ताला टूटा हुआ मिलता था। तो सरकार ने भी हार मान के इस टनल को खुला ही छोड़ दिया। आसपास के रहने वाले भी कई बार बरोग की आत्मा को इस टनल के आसपास देखा है। तो ये था दोस्तों टनल नंबर 33 की कहानी। यार पता नहीं ये शिमला कब आएगा यार, बैठे बैठे बोर हो गया। थोड़ा बर्फबारी होता तो मजा भी आता दिखने में, व्यू वगैरह। ये सूखे पेड़ पौधों के अलावा क्या है, और इतना व्यू देख देख के पागल हो गया। पिछले 5 घंटे से व्यू देख रहा हूँ। कुछ खास मजा नहीं है यार ये जर्नी में, जब तक बर्फबारी नहीं होगा ना तब तक मजा नहीं है। एक और स्टेशन क्रॉस कर लो सोगी। उद्योग स्टेशन। अरे यार ये शिमला कब आएगा। शिमला कितने साल में पहुंच जाएगा। फाइनली अब हम शिमला पहुंच गए। तो दोस्तों मैं फाइनली पहुंच गया हूं शिमला, और यहाँ से अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। पहले मैं देखूँगा स्टे का, सस्ते में अगर रहेगा तो मैं देख लूँगा। फिलहाल तो यहाँ पे बर्फबारी कुछ नहीं है यार, सब सूखा सूखा एकदम। सोचा साला बर्फबारी देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पे, सूखा सूखा एकदम पूरा। मज़ा नहीं आया यार, फालतू का पैसा वैसे गया मेरा वो टॉय ट्रेन का भी। तो यहाँ से बाहर निकलता हूँ मैं और फिर आगे का शूट करूँगा। ये शिमला का व्यू दोस्तों, दिखने में तो अच्छा है यार। लेकिन सच कहूं तो दोस्तों टॉय ट्रेन का जो असली मजा है ना, स्नोफॉल नहीं थैंक्स। यहाँ पे होटल वाले बड़े हैं रे। होटल चाहिए 800 हजार में। तो ये मैं ये कह रहा था कि स्नोफॉल के टाइम पे अगर आप आओगे ना तो टॉय ट्रेन का जो जर्नी है ना वो सबसे बेस्ट है। अदरवाइज मैं कहूँगा कि मत आओ यार, क्या है बेकार को। वो नॉर्मल व्यू तो ऐसे भी आप कहीं पे भी देख सकते हो। 5 घंटा लगता है पूरा कलकत्ता से शिमला तक आने के लिए। हालत ख़राब हो गई, एकदम बोर हो गए थे हम लोग। अरे हम क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो अकेला ही आया हूँ, मैं बोर हो गया था। मेरे साथ साथ जितने भी पैसेंजर थे ना सब लोग बोर हो गए थे। फिलहाल तो यहाँ पे बर्फबारी कुछ भी नहीं है यार, शिमला ने धोखा दे दिया। जनवरी का महीना चल रहा है और
बर्फ का नामो निशान नहीं है। तो मैं अगर आया हूँ तो बर्फबारी देख के जाऊँगा भाई। मैंने प्लान किया है कि यहाँ से निकल जाऊँगा मनाली के लिए। थोड़ा सा आज शिमला घूम लेता हूँ, उसके बाद मनाली के लिए निकल जाऊँगा। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ स्टे का देखने के लिए, थोड़ा बहुत फ्रेश होऊंगा और उसके बाद निकलूँगा मनाली के लिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो है यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।